हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी आ गई आपके लिए पलक और सना की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आपने देखा था कि सना पलक के क्लोज आ रही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज। अब आगे सना एकदम पलक के क्लोज आ जाती है और उसको बोलती रहती है, इतनी क्लोज कि दोनों के लिप्स टच होने वाली होती है। और तब भी सना पलक को एकदम प्यार से बोलती है, पूरी दुनिया मेरे पैसों से प्यार करती है, मेरे पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती करती है, बट तुम मेरे पैसों से भी प्यार नहीं करती। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर क्यों मेरे इतना क्लोज रहती हो, मेरा इतना केयर करती हो? लगे कि प्यारी सी स्माइल लेके कहती है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। और हमारे बीच पैसे कब से आ गए? तो सना बोलती है, तुमने मुझे बिना बताए मेरे सारे कर्जे तुमने उतार दिए, तुमको क्या ज़रूरत थी उसको पैसे देने की? हाँ, वो तो मेरी प्रॉब्लम थी ना, और मुझे तुमसे पैसे लेने भी नहीं है पलक, तुम मुझसे पूछ लेते पैसे चुकाने से पहले। तो पलक बोलती है, ठीक है ना, दे देना पैसे जब आ जाएंगे, हमारे बीच तुम्हारा हमारा क्या है? तो सना बोलती है, मतलब? तो पलक बोलती है, अब हम फ्रेंड्स हैं ना? तो सना पलक के एकदम ईयर के पास अपने लिप्स ले जाके बोलती है, बस फ्रेंड है हम लोग। तो पलक ये सुन के और ज़्यादा उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, क्योंकि सना उसको इतनी सीरियस वाली वॉइस में बोलती है कि पलक की धड़कन ही तेज़ हो जाती है। पलक सना को एक टाइट हग कर लेती है और अपने क्लोज और ज़्यादा कर लेती है, एकदम टाइट, इतनी टाइट कि दोनों के बीच में से हवा भी नहीं जा रही होती। इस हग से सना को भी कुछ होता है, वो भी पलक को टाइट हग कर लेती है और हल्के से बोलती है सना पलक के कान पे, क्या कर रही हो, हम तो बस फ्रेंड्स हैं ना? पलक कुछ नहीं बोलती, बस उसको फील कर रही होती है सना को अपने अंदर। पलक का मन कर रहा होता है सना को अपने अंदर समा ले, इतनी कि उसको कोई उससे जुदा ना कर सके, और वो बस सना को टाइट हग करके फील कर रही होती है। और सना जिस पलक को इतनी ज़्यादा नफरत करती है, उसके दिल में अचानक से ही क्या होता है पता नहीं, बट वो भी पलक को फील करना चाह रही होती है। दोनों एक दूसरे को हग करके ऐसे ही थोड़ी देर एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। तभी पलक की फ़ोन रिंग होती है एकदम से, पलक को एकदम से होश आता है, वो देखती है खुद को सना के बाहों में, और सना को भी रिंग से थोड़ा होश आता है, दोनों एक दूसरे अलग हो जाते हैं और थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। तो पलक बोलती है, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो सना बोलती है, हाँ, जाओ, मुझे भी वॉश थोड़ा जाना है, मैं आती हूँ, ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के चले जाते हैं। तो पलक तो अपने दिल पे हाथ ही रख देती है और बोलती है, इसका मेरे पास होना यार, जो सुकून देता है ना, जिंदगी में किसी चीज़ से वो सुकून नहीं मिलता। इससे मेरा क्या रिश्ता है नहीं पता मुझे, बट इसको मैं अपने ज़िंदगी में लाइफ टाइम रखना चाहती हूँ, इसको अपना बनाना चाहती हूँ, और ऐसा बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी इसको मैं अपना प्यार का एहसास दिलवाऊंगी और पूरी दुनिया के सामने इसको अपना बनाऊंगी। सना, आई लव यू एंड आई मीन इट, और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता, तुम और तुम ही रहोगी मेरे लाइफ में हमेशा के लिए। आई लव यू सना, ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है। और दूसरी तरफ पलक की फ़ोन फिर से आती है, तो पलक फ़ोन उठाती है तो उसकी चाची का होता है, तो एकदम गुस्से में बोलती है, हेलो। पलक बोलती है तो उसकी चाची बोलती है, क्या हेलो, घर नहीं आना तुमको? अकल अकल है कि नहीं, कल रात से मटर गश्ती कर रही हो, घूम रही हो, घर नहीं आना? तो पलक बोलती, चाची वो सॉरी, मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ, ऑफिस में ही हूँ, तो मैं आफ्टर छुट्टी के बाद मैं आ जाऊँगी ना, ठीक है ना? तो पलक वो की बात सुन के उसकी चाची बोलती है, ठीक है मैं रख रही हूँ। तो ऐसे फ़ोन पलक रख के एकदम स्माइल कर रही होती है सना के बारे में सोच के। और दूसरी तरफ सना वॉशरूम में जाके
एकदम से उसको भी अजीब सा लग रहा होता है। वो सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद है, मुझे लड़के पसंद है, बट इस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, इसका हक मुझे इतना क्यों सुकून दे रहा है, मुझे तो इसे बदला लेना था बस, ये मुझको क्या हो रहा है सना, रोक खुद को, ये सही नहीं है, लोगों को पता चल गया क्या होगा कि मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये सही बात नहीं है, ये बहुत नहीं सना, तू ऐसा नहीं कर सकती। और ऐसे बोल के शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, शावर ऑन करके आँख बंद करके, बट जब वो आँख बंद करके शावर के नीचे खड़ी होती है, तब उसको पलक का वो हक, उसका वो केयर सब याद आ रहा होता है, और उसको ये चीज़ एकदम सुकून दे जाता है, बट वो फिर से ऐसे आँख खोल के बोलती है, नहीं सना, नहीं 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 तू पलक की तरह अट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो बस तुम्हारी दुश्मन है, और उससे बस प्यार का नाटक करना है और बदला लेना है। फिर ऐसे सना सोचती है, नहीं यार वो इतनी अच्छी है, मैं उससे बदला कैसे ले सकती हूँ किसी चीज़ का, वो इतनी स्वीट है। फिर खुद को जोड़ती है और बोलती है, नहीं पलक, नहीं 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 तू क्या सोच रही है, ये तुझे तुझे आई थिंक तुझे पलक से दूर रहना चाहिए, हाँ यही सही है, बदला जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, मुझे मुझे पलक से दूर रहना चाहिए, यही यही सही रहेगा, हाँ मैं क्या करूँ पलक से दूर रहने के लिए, मैंने तो उसको रोक भी दिया है घर पे, क्या अब क्या करूँ, क्या क्या करूँ, हाँ, उससे झगड़ा कर लेती हूँ, ये यही बेस्ट रहेगा, झगड़ा कर लूँगी तो वो फिर वापस चली जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा, और ऑफिस में उससे उसको 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 जितना चाहे उतना इग्नोर करूँगी, हाँ हाँ सना यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा, यही आइडिया फॉलो करना पड़ेगा, अब जितना हो सके सना तो पलक को इग्नोर करेगी, उसके क्लोज नहीं जाएगी, ये चीज़ बहुत गंदी है, नहीं मुझे नहीं हो सकता किसी लड़की से प्यार, मुझे पसंद भी नहीं आ सकता कोई लड़की, और पलक तो बिल्कुल नहीं, कितनी इतनी भैंसी लड़की मुझे पसंद आ ही नहीं सकती, बस बस ये तो मैं नाटक कर रही थी, हाँ और इस नाटक में मैं खुद ही घुस रही हूँ, नहीं सना ऑल इज़ फाइन ऑल इज़ गुड, बस ये नाटक था, ठीक है, ऐसे खुद को समझाती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है, ना वैसे ही अपने धुन में गीले वॉशरूम से बाहर निकल आती है, और पलक उसको देखे एकदम शॉक हो जाती है, एकदम सना के पास दौड़ के आती है और बोलती है, सना आर यू फाइन, ठीक हो ना, क्या हो गया, अरे तुम ये गीले क्यों हो, तुमने तो नहा लिया था ना, फिर से ये गीला, और तुम ये गीला कपड़ा क्यों पहनी हो, तुम अभी चेंज करो इसको, तुमको बुखार लग जाएगा, तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी खराब थी, और तुम पागल हो, दो तो बनाने की क्या जरूरत थी तुमको, क्या 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 सोच के क्या कर रही हो तुम, ये तुम ना सच में मेरे हाथों से पिटोगी सना, तुम्हारी रात को इतनी तबीयत खराब थी और अब तुमको ये मस्ती सूझ रही है, ऐसे बोल के एक टावल लाके उसका सर पोंछने लगती है, उसको बिठा देती है एक जगह पे और उसका सर एकदम पोंछने लगती है, और उसके ऊपर डांट रही होती है सना को कि तुम में अकल वकल नहीं है, कैसी लड़की हो यार तुम, बीमार होना अच्छा लगता है, एक तो कोई है नहीं तुमको देखने के लिए यहाँ, और मैं भी नहीं रुक सकती ज़्यादा टाइम, और तुमको बीमार होना है, अभी ठीक हुई हो, ये तो अकल वकल है नहीं तुम में, बस तुमको ना डांटने वाला चाहिए, सच में डांटने वाला, कोई क्या मैं ही तुमको इतना डांटूंगी ना, इतना डांट डांट के ना तुमको सुधार दूंगी एकदम से, और सना एकदम पलक को इतना गुस्सा में देख के उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, पहली बारी सना पलक का गुस्सा देख के उसको अच्छा लग रहा होता है, स्माइल दे रही होती है, वो हंस रही होती है, तो पलक बोलती, हंस क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ जो इतनी दांत दिखा रही हो, तो सना बोलती है, नहीं कुछ नहीं, तो पलक बोलती है, तो फिर क्या हुआ, हाँ इतना क्यों कर रही हो, दांत फाड़ के रही हो, एक तो खुद को भिगा दिया बीमार होने के लिए, ऐसे बोल के उसका बाल पोंछने लगती है, और सना उसको देख के बस स्माइल कर रही होती है, और दिल में बोलती है कि कितनी केयरिंग लड़की है यार ये, कितनी स्वीट, कितनी केयरिंग है, और ऐसे बोल के दिल में उसको स्माइल दे रही होती है, तो पलक उसका बाल पोंछती है और बोलती है, जाओ चेंज करके आओ, तो सना उसके हाथ से कपड़े लेके चेंज करने चली जाती है वॉशरूम, और वॉशरूम जाके फिर सोचती है चेंज करते चलते कि क्या कर रही हूँ मैं, वो मेरे को इतना डांटी फिर भी मुझे उसका डांट क्यों बुरा नहीं लगा, और वो इतनी केयरिंग क्यों है मेरे लिए, उसको उसको नहीं होना चाहिए मेरे लिए इतना केयरिंग, उससे तो इतना झगड़ा करूँगी कि वो खुद ही मुझसे दूर हो जाएगी,
ऐसे सोच के चेंज करके बाहर चली आती है। और पलक दूसरी तरफ किचन में जाके सना के लिए एकदम गरम गरम सूप बना रही होती है, और सारा खाना जितना बनाई होती है उसको गरम कर रही होती है। उसको सना की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो दिल में बोलती है, पता नहीं इस लड़की को क्या ही हो गया है, ऐसे कौन करता है। कल रात को इस लड़की को बुखार था और आज दो दो बार नहा रही है। देखो इसको ना सच में बीमार होने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बीमार होने में क्या, मेरी बीमार होके ना ये मुझे ही दर्द दे रही है। लगता है इसको मुझे दर्द देना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। पागल लड़की, ऐसे सोच के उसके लिए खाना बनाती है, गर्म करती है और लेके आती है। तभी सना भी बाहर आ चुकी होती है, बेड पे बैठी होती है। तो सना को पलक बोलती है, चलो आओ अब तुम ये सूप पियो गरम गरम। तो सना बोलती है, छी मैं बीमार हूँ क्या जो इतनी सारी सूप पियो। मुझे नहीं पीना, मेरे लिए मुझे वो खाना है जो टेस्टी टेस्टी तुमने बनाया है वो खाऊंगी मैं। तो पलक बोलती है, जी नहीं आप ये सूप पियोगी। और बीमार समझ आ गया है, आप बीमार हो कल रात से, थोड़ी सी क्या तबीयत खराब ठीक हो गई, और ख़राब करने के लिए तो आप ऑलरेडी बिक चुकी हो, और अब आपको ये खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप बस ये सूप पियोगी समझी। तो सना एकदम चिढ़ जाती है, बोलती मैं नहीं पीने वाली, और तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली। हाँ मैं तो वही खाना खाऊंगी, ऐसे बोल के मैगी का बाउल अपने हाथ में लेती है और एक चम्मच खाती है। तो पलक उसके हाथ से खींच लेती है। तो सना को एकदम और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम चिल्ला के पलक को बोलती है, तुमने मेरे मुंह से खाना छीन लिया, तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलक ये। तो पलक बोलती है, मेरी हिम्मत बहुत है, और हिम्मत अगर नहीं देखनी है ना तो चुपचाप ये सूप पियो, सूप पीने के बाद मैगी खा लेना जितना खाना है। तो सना बोलती है, नहीं मुझे सूप नहीं पीना। तो पलक बोलती है, तुमको पीना ही पड़ेगा। तो सना बोलती है, क्या कर लोगी, नहीं पीऊंगी। तो पलक उसके एकदम से क्लोज आ जाती है और उसके मुंह को पकड़ के ऐसे ऊपर कर लेती है लिप से। बोलती क्या करूँगी, देखना है तुमको, हाँ मैं क्या करूँगी। तो सना एकदम घबरा जाती है, बोलती कि क्या 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 बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा, और ऐसे ऐसे पकड़ क्यों रखा है मुझे। तो सना वो को पलक हंस के स्माइल देके बोलती है, अभी तो मैंने पकड़ रखा है बस, अगर तुमने ये सूप नहीं पिया ना चुपचाप से, मैं क्या क्या करूँगी ना, तुमको कुछ आइडिया भी नहीं है। तो पलक का हाथ छुड़ा के सना एकदम बोलती है, पी रही हूँ ना मैं, छोड़ छोड़ो मुझे, मुझे मुझे तो ऐसे भी सूप बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव सूप, तुमको तो मैंने बताई थी ना तुमको, हाँ, मैंने बताई थी, ऐसे बोल के पीने लगती है। और ऐसे बड़बड़ा के बोलती है, कुंडी कहीं की बात बात पे मुझे धमकी देने आ जाती है, और ऐसे चुपचाप से मुंह नीचे करके सूप पी रही होती है। और पलक को ये चीज़ देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वो एकदम स्माइल करके मैगी खा रही होती है, और सना को देख एकदम स्माइल कर रही होती है। ऐसे ही इन दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है। तो पलक बोलती है, तो मैडम आज का क्या प्लान है। तो सना बोलती है, क्या क्या प्लान है, तुम घर जाओ मैं रेस्ट करती हूँ। तो पलक बोलती है, हो कितनी गंदी हो तुम। तो सना बोलती है, अब मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, बोल तो रही हूँ घर जाओ मैं रेस्ट करती हूँ, इतना बोलने में गंदा होना क्या है भाई। तो पलक बोलती है, हो पहले तो तुमने मुझे ऑफिस जाने नहीं दिया, यहाँ पे रोक दिया, और अब बोल रही हो घर जाओ। अब तो मैं ना ऑफिस जा सकती, अब तो मैं ना ही घर जा सकती। तो बेटा मैं ना यहीं रुकने वाली हूँ, और जल्दी से कुछ प्लान बनाओ, हम लोग घूमने जाते हैं या मूवी पे जाते हैं। तो सना बोलती है, ओ निकलो, मैंने रोक दिया था तो अब बोल रही हो ना जाने के लिए, रुकने के लिए बोला तो रुक सकती हो, जाने के लिए बोला तो नहीं जा सकती, जाओ यहाँ से दफा हो निकलो, हाँ मुझे रेस्ट करना है। तो पलक बोलती है, नहीं आप मुझे रोक सकती हो, बट जाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी से, वो भी ऑफिस टाइम पे। तो सना बोलती है, अजीब जबरदस्ती है, अजीब गले पड़ो लड़की हो यार तुम तो एकदम। वो सना पलक को एकदम चिढ़ा के यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए उसको एकदम कड़वी कड़वी बात बोल रही होती है। तो पलक बोलती है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा गले पड़ूँ, क्या कर लोगी, मेरा गले से निकाल दोगी मुझे। अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझसे दोस्ती करने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए था, किस गले पड़ो लड़की से दोस्ती कर रही हो। अब तो मैंने कर लिया है दोस्ती, अब तो मैं चिपको पक्के ही रहूँगी तुम्हारे साथ, चिपकू मैं एकदम चिपकू, बबल गम जैसे चिपकू, जहाँ चिपका दो चिपक जाऊंगी। तो सना बोलती है, तुम ना पलक अकल की पैदल। तो सना को पलक हंसते हुए बोलती, हाँ ना थोड़ी सी, तुम
मैनेज कर लोगी ना? तो सना बोलती है, तुम ना भैंसी हो, भैंसी। तो पलक बोलती है, हाँ मुझे भैंसी बोला, तुम ना वो शुतुरमुर्ग हो। तो सना बोलती, हाँ तुमने मुझे शुतुरमुर्ग बोला, तुम ना मेंढक हो, मेंढक। पलक एकदम गुस्से में बोलती, मुझे तुमने मेंढक बोला, मगरमच्छ कहीं की। तो सना बोलती, हाँ मैं मगरमच्छ हूँ ना, मगरमच्छ हूँ ना, रुको अभी तुमको खाती हूँ। ऐसे बोल के पलक के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के एकदम बाइट करने लगती है। तो पलक बोलती है, आउच 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 आउच, क्या कर रही हो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तुम तो मगरमच्छ के ऊपर कुत्ता ज्यादा लग रही हो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द होने लगा, छोड़ो। तो सना बोलती है, नहीं, मैं मगरमच्छ कुत्ता दोनों हो ना, और कुत्ता तो काटता है, मैं आऊँ ना तुमको काटती हूँ। पलक बोलती है, नहीं मेरी माँ, तुम सना हो, सना तुम इंसान हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम प्रिंसेस हो, तुम परी हो, तुम एंजल हो, अब तो मुझे छोड़ो, आउच दर्द हो रहा है यार। तो सना वो छोड़ देती है और बोलती है, ठीक है अब समझ आया तुमने किससे पंगा लिया था, अब चलो दफा। तो फलक बोलती, हाँ अब सच्ची में समझ आ गया यार, मैं तो किस पता नहीं किससे यार, मेरे हाथ में तो मार खा के, ये देखो देखो तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरे हाथ में तुमने मार खा दिया, तुमको तो मेरी पड़ी ही नहीं है। ऐसे बोल के रोने लगती है पलक झूठ मूठ का। ना पलक को रोता हुआ देख के घबरा जाती है, उसको लगता है उसने कुछ ज्यादा कर दिया। तो एकदम वो हड़बड़ा जाती है और बोल पलक के पास आ के एकदम उसके हाथ को सराहने लगती है, बोलती है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है मुझे गुस्से में, तुम मुझे ऐसे क्यों चढ़ाती हो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के उसके हाथ को सरा रही होती है, ऐसे प्यार प्यार से छू रही होती है। और पलक ये देख के दिल ही दिल में बहुत खुश होती है, बट उसको तो नौटंकी करनी होती है सना के सामने। तो एकदम वो भी नौटंकी करते हुए बोलती है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, देखो मुझे तो लग रहा है ब्लड निकल जाएगी यार, तुम बहुत गंदी हो, तुमने मुझे काटा, हाँ, तुमने मुझे काटा। तो सना बोलती है, आई एम सॉरी सॉरी पलक, सॉरी प्लीज मत रो, ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बाम लाती हूँ ना, ठीक हो जाएगा अभी, ठीक हो जाएगा, मैं बर्फ लाती हूँ, बाम लाती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। तो पलक बोलती है, मुझे मुझे कुछ नहीं लगाना, तुमने मुझे काटा, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम जाओ, मुझे नहीं बात करनी कट्टी। तो सना एकदम भाग के जाती है और फ्रीज से बर्फ और बाम लेके आती है और एकदम प्यार प्यार से सना के हाथ में लगाती है। पलक को पहली बारी सना का इतना ज्यादा केयर दिख रहा होता है, वो एकदम सना को देख के खुश हो जाती है और रोना बंद कर देती है और बस सना को देखती रहती है। और सना धीरे धीरे हल्के हाथों से उसके हाथ पे बर्फ लगा रही होती है और वो बोलती रहती है, अब ठीक है, अब थोड़ी राहत है, ठीक हो ना तुम, सॉरी 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 पलक, सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच्ची सच्ची, तुमको मूवी देखने जाना था ना, ठीक है हम मूवी देखने चलते, हम लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे, हम आज पूरे दिन पूरा एंजॉय करेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो अब तो। और ये सुन के तो पलक एकदम और ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ चलो मैंने तुमको माफ किया, बट देखो तुमने जो प्रॉमिस किया वो निभानी पड़ेगी। हाँ तो सना बोलती है, हाँ मेरी माँ सारी प्रॉमिस निभाऊंगा, क्या क्या मूवी जाना है ना आपको, मूवी भी लेके जाऊंगी लॉन्ग ड्राइव पे और बहुत ज्यादा मजे करेंगे, ठीक है। तो पलक एकदम खुश हो जाती है और सना को हग करके उसके चिक्स पे किस कर लेती है और इस बात से तो सना की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसकी तो सिट्टी फिट्टी गुल हो जाती है, वो एकदम ऐसे बैठी रहती है और पलक उसके चिक्स पे एकदम दो चार किस कर लेती है, ऐसे करके किस कर लेती है और एकदम बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर उसको छोड़ती है और बोलती है, ठीक है फिर अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, पहले जाएंगे उसके बाद मूवी, उसके बाद डिनर करेंगे, लंच करेंगे। और ऐसे बोल के पलक तैयार होने चली जाती है और सना भी तैयार होने चली जाती है और फिर सोचते, यार मैंने ये क्या मुसीबत गले टाल दी यार, इससे जितना दूर होना चाहती हूँ ये लड़की मेरा इतना क्लोज आती है और मैं भी पागल हूँ, मुझे क्या जरूरत थी इसको इतना हाँ बोलने का। सना अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जाना ही पड़ेगा मूवी पे और लॉन्ग ड्राइव पे भी और लंच पे भी। सना तू कहाँ फंस गई यार, ये तू, हाँ, मुझे कोई तो बचा लो, मुझे नहीं जाना पलक के साथ।
तो पलक तभी बाहर से आवाज लगाती है, सना निकलो भी, हम देर हो रहे हैं मूवी के लिए ना। तो सना बोलती है, हाँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, बस 2 2 मिनट। और ऐसे भी बैठ जाती है और बोलती है, नहीं बचा लो मुझे, मुझे नहीं जाना। तभी सना को पलक का फिर से आवाज होती है, तुम बाहर आ रही हो कि मैं अंदर आऊँ? तो सना बोलती है, हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं एकदम तैयार हो रही हूँ, तुम चलो बाहर निकलो, मैं चल रही हूँ। तो पलक बोलती, कितनी देर, अब तो तुम इतना तैयार हो गए तो यार रात हो जाएगी, फिर कहाँ घूमेंगे हम? तो पलक को सना बोलती, हाँ बाबा, आ रही हूँ आ रही हूँ। तो फिर ऐसे सना खुद को संभालती और बोलती, अब तो तेरे पास कोई चारा नहीं है बेटा, अब तो तुझे पलक को घुमाना ही पड़ेगा। बड़ा शौक था ना प्यार का नाटक करने का, अब तो ये बंदी कितनी चिपकू है यार, एक पल का भी नहीं सुकून इसको। कोई तो बचा लो, ऐसे बोल के बाहर आती है। तो सना को पलक देख के, पलक तो एकदम से आ जाती है और हक लेती है और बोलती है, चलो अब चलते हैं ठीक है? तो सना बोलती है, हाँ चलो चलते हैं। ऐसे दोनों ही निकल जाते हैं। तो सना बोलती है, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे कि मैं? तो सना बोलती है, नहीं आज तुम ड्राइव, पलक बोलती है, तो आज तुम ड्राइव करो, मैं बैठूंगी और एकदम व्यू का मजा लूंगी। और ना तुमको तेज भी चलानी है गाड़ी ना, तो चलाओ, आज तुमको फुल अलाउड है। तो पलक को सना देख के एकदम देखती रहती है, बोलती है, ठीक है मैं चला रही हूँ, चलो बैठ जाओ पीछे, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। ऐसे बोल के दिल ही दिल में बहुत गुस्सा होती है सना खुद पे। तो सना गाड़ी चला रही होती है और पलक पीछे बैठ जाती है। पलक एकदम सना को टाइट हग करके पीछे बैठी हुई होती है। तो इस चीज़ से सना की तो और ज़्यादा हार्टबीट तेज हो जाती है और ये चीज़ पलक भी समझ लेती है। तो थोड़ा सना को छोड़ के दूर हो जाती है और बैठी रहती है स्कूटी पे, और दोनों ऐसे ही जा रहे होते मूवी के लिए। सना स्पीड गाड़ी चला रही होती है और तभी एक स्पीड ब्रेकर आती है और सना देखी नहीं होती, तो अचानक ब्रेक लगाती है। तो पलक अचानक से सना के एकदम ज़्यादा क्लोज आ जाती है और एकदम उस घबरा के सना को पकड़ लेती है, और पलक का हाथ सना के बुब्स में लग जाता है। वो इतनी ज़ोर से सना को पकड़ी हुई होती है कि पलक को पता ही नहीं चलता उसको कहाँ पकड़ा हुआ है। और सना इस चीज़ से एकदम शॉक, पलक को तो पहले पता नहीं होता कि उसका हाथ कहाँ लगा है, जैसे ख्याल आता है एकदम वो भी शर्मा जाती है, इतनी घबरा जाती है कि उसको समझ नहीं आता हाथ उठाऊं कि क्या करूं। और उसके दोनों हाथ सना के बूट्स में लगे रहते हैं। तो सना एकदम घबरा घबरा के एकदम तेज तेज सांस लेते हैं, बोलते एकदम खांसने लगती, पलक अब हम ठीक है ना, अब तुम मुझे छोड़ सकती हो? ऐसे बोलती है। तो पलक को भी थोड़ी सी होश आती है और बोलती है, शिट्टी की ये मैं क्या कर रही हूँ? तो वो भी एकदम घबरा जाती है और बोलती है, एम सॉरी सना, मैंने 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 जानबूझ के नहीं किया, रियली सॉरी। तो सना भी एकदम घबराई होती होती, उसकी भी सांसें एकदम तेज हो रही होती है पलक के छूने से। तो वो भी बोलती, हाँ, ना इट्स ओके, हो जाता है। वो थिएटर भी पास आ गया ना, हम टिकट टिकट ले लेते और मूवी देखने जाते हैं, भूख तो अभी नहीं है ना, तो अब लंच टाइम भी नहीं है, तो मूवी देखने चलते। ऐसे दोनों ही थोड़े से एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, बोलते हाँ, ठीक है चलो चलते हैं, ऐसे बोल के मूवी देखने चले जाते हैं। तो सारी मूवी की टिकट एकदम बुक हो रही होती है, एडवेंचर वाली, बस एक रोमांटिक मूवी का होता है टिकट, और उसके भी बस 2 टिकट ही बचे होते हैं। तो सना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रोमांटिक मूवी के टिकट लेने के अलावा, तो वो ले लेती है और चले जाते हैं मूवी थिएटर के अंदर। तो वो बस एक 2 कॉर्नर वाली सीट बची होती है और मूवी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। उस सना देख के बोलती है थिएटर में अंदर घुसते, शिट यार, ये किस्मत क्या खेल रही है मेरे साथ, इससे मैं दूर भागना चाह रही हूँ, और ये है कि मेरी और क्लोज और तो और मैं इसको रोमांटिक मूवी दिखाने लाई हूँ। शिट सना, तो क्या कर रही है यार? बट पलक मूवी देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सना का हाथ एकदम से पकड़ लेती है।
जोरों से और बोलते चलो ना चलते हैं, मूवी तो आधी खत्म हो गई और तुम यहीं के यहीं खड़ी हो, चलो चलते, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे बोल के दोनों अपने अपने सीट पे बैठ जाती है। एक दोनों की सीट पास होती है, कॉर्नर सीट होती है, तो पलक सना का हाथ छोड़ती ही नहीं, उसका हाथ पकड़ के ही उसके कंधे पे एकदम सर रख के ही मूवी देखने लगती है। और मूवी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होती है, एकदम किसी भी सी टची वची वाला फुल ऑन सीन होता है, तो पलक को तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फीलिंग्स आ रही होती है सना के लिए, और सना पलक सना के ऐसे हाथ पकड़ी ही होती है, तो सना तो एकदम उसको तो एकदम घबरा रही होती है, उसको उसको अच्छा तो लग रहा होता है पलक का हाथ पकड़ना, बट वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, हो रही होती है, ये चीज़ पलक भी नोटिस कर लेती है और उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है मुझे पॉपकॉर्न खाना है, तो सना बोलती है ठीक है मैं ला रही हूँ, बोल के ऐसे ही अपने जेब में देखने लगती है, तो उसके जेब में पैसे खत्म हो चुके होते हैं और ये चीज़ पलक नोटिस कर लेती है और बोलती है तुम क्यों लाओगे, तुमने टिकट लाया ना और डेट तो हम दोनों की है, तो पलक को सना बोलती है डेट डेट कहाँ, हम दोनों बस घूमने आए, कोई कोई डेट वेट नहीं है हमारी, तो पलक बोलती है हाँ वो मूवी तो हम दोनों की है, तो सारे खर्चे तुम क्यों करोगे, मैं ले आती हूँ ना, ऐसे बोल के वो पॉपकॉर्न ले आती है और दोनों ऐसे ही पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देख रहे होते हैं, और मूवी बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन और ज़्यादा बढ़ रही होती है, वो एक लव स्टोरी होती है और दोनों ही लव स्टोरी देख के मूवी में खो से जाते हैं। तभी मूवी में एक इमोशनल सा सीन होता है, कह सकते एक तरीके से हैप्पी वाला सीन होता है, जहाँ हीरो हीरोइन को प्रपोज कर रहा होता है बट हीरोइन उसको मना कर देती है, और हीरो इस बात से एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगता है, टूट जाता है, बट वो हीरोइन को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको हाँ बोल दे, और ये सीन देख के सना एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उसको पलक के साथ बिताया उसका पल याद आता है, और उसको ऐसा लगता है कि पलक उसकी लाइफ से चली जाएगी तो फिर वो भी ऐसे टूट जाएगी, क्योंकि 2 दिन में ही एक दिन में ही सही सना को पलक का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सना का हाथ पकड़ लेती है, और सना ये देख के वो भी पलक का हाथ पकड़ लेती है, उसको दोनों ऐसे दोनों हाथ पकड़ के क्लोज होके बैठ जाते हैं, तभी मूवी में दिखाता है कि हीरोइन मान जाती है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं हीरो हीरोइन, और दोनों में किस होती रहती है, तभी सना पलक की तरफ देखती होती है, तो पलक ऑलरेडी सना की तरफ देख रही होती है, तो सना खुद को रोक नहीं पाती, पलक के क्लोज जाके उसको किस करने लगती, एकदम सॉफ्ट वाली किस, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, कॉर्नर वाली सीट होती है तो किसी की नज़र इनके ऊपर उतनी नहीं पड़ती, दोनों एक दूसरे को बेइंतहा किस करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कभी सना पलक को किस कर रही होती है, कभी पलक किस कर रही होती है सना को, पहली बारी दोनों पूरे होश हवास में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तभी मूवी का एंड हो जाता है और अचानक से इन दोनों को होश आता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो पलक एकदम साइट हो जाती है और सना भी साइट होके एकदम हड़बड़ा के बोलती है पलक आई एम रियली सॉरी, मेरा मैं इसका मैं क्या वो बोलूँ, पता नहीं मूवी देखी मुझे क्या क्या हो गया था, इसको उसको तुम सीरियसली मत लेना, आई एम सॉरी पलक, ये बस मिस्टेक बाई मिस्टेकली हो गया यार, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तुम प्लीज़ प्लीज़ हाँ, इसको कुछ और मत समझ लेना प्लीज़, हम दोनों बस फ्रेंड ही है, तो पलक को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है, बट वो सना को समझाते हुए बोलती है कोई नहीं, मैं भी थोड़ी सी मूवी देख के इमोशनल हो गई थी, तो इट्स ओके ना, इट्स रियली फाइन, कोई नहीं, हम दोनों भूल जाते हैं ऐसा कुछ होता हुआ है बोल के, तो पलक की बात सुन के सना भी थोड़ी सी ठीक होने लगती है और बोलती है हाँ ये रहेगा, ये ठीक रहेगा, चलो ना खाना खाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पलक भी बात को टालने के लिए बोलती है हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो चलो ना चलते हैं खाने कुछ, ऐसे बोल के दोनों ही थिएटर से चले जाते हैं, और सन्ना ड्राइव कर रही होती है, बट पलक को सना की बात इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है
कि वो बस एक मिस्टेक था, उसको कोई फीलिंग्स नहीं थी उस किस में। उसको वो सना से थोड़ा दूर होके बैठ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि सना का किस बस एक मिस्टेक था, और उसके लिए वो किस बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थी। और सना सोच रही होती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, इस पल की इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों आ रही हूँ मैं, मैंने इसको किस कर दिया, ओ शिट क्या कर दिया सना तूने, ये क्या तुझ में अकल वकल नहीं है क्या। ऐसे सोच के ड्राइव करते करते एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, और दोनों वहाँ पे कुछ खाने लगते हैं, खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। बट पलक बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती, उसको अंदर से ही ये चीज़ बार बार याद आ रही होती जो सना ने उसको बोला था, इट्स वर्स मिस्टेक, इसको सीरियसली मत लेना। बट पलक के लिए ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा मीनिंग कर रही होती है, सना से उसको सच में बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा होता है, और सना की ये बात बस ये मिस्टेक था, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है। तो एकदम सैड सैड सी होती है वो, बहुत ज़्यादा सैड। और सना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उससे कैसे ये किस हो गया, वो भी एकदम खोई खोई होती है। तो एकदम जब खाना आता है, पलक सना तो अपना खाना खा लेती है अपने धुन में खोए खोए, बट पलक कुछ नहीं खाती। तभी सना का ध्यान पलक पे जाता है, और वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसने ऑर्डर किया हुआ छुआ भी नहीं होता है, उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं। तो सना देखी ये डर जाती है कि पलक को क्या हो गया, वो पलक से पूछती है, पलक आर यू फाइन, कुछ हुआ है क्या, तबीयत खराब है तुम्हारी। तो पलक बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना है। तो सना बोलती है, क्या हुआ बाबा, सच में वो किस बस बाय मिस्टेक था, तुम उसको लेके इतना सैड मत हो, मुझे मुझे ना सच में कोई अकल नहीं है, मैंने जानबूझ के तुमको नहीं किया। सना को भी लग रहा होता है कि वो किस पलक को बहुत हर्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए वो किस, ये सोच के वो पलक को समझा रही होती है। बट पलक उसका कुछ और अलग ही ले रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझसे किस सना के लिए बस एक गलती थी, और वो ये सोच के और ज़्यादा उसके दिल सैड हो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। तो पलक सना को बोलती है, सना इट्स ओके, मैं भी बोल रही हूँ, बस वो मिस्टेक था, उसके लिए मैं सैड नहीं हूँ, मुझे कुछ और चीज़ याद आ गई। तो सना बोलती है, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या, कहीं दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चले। तो पलक बोलती है, नहीं मुझे बस घर जाना है सना, मुझे छोड़ दो। तो पलक को सना बोलती, कुछ तो खा लो फिर मैं छोड़ दूंगी ना, मैं खुद जाके तुमको घर छोड़ के आऊँगी। बट पलक कुछ नहीं खाती, और सना को पलक की हालत देख के एकदम टेंशन होने लगती है, उसको लगता है ये मैंने क्या कर दिया, ये एक किस से ये इतनी ज़्यादा इमोशनल होगी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले चलती हूँ, वहाँ पे इसको मना लूँगी, ठीक कर दूँगी। ऐसे ही रोती रो हुई घर गई, तो यार फिर से कोई पंगा ना खड़ा कर ले, ऑफिस में मेरा जीना आराम ना कर दे ये बंदी। ऐसे सोच के बोलते, ठीक है हम ना, ठीक है नहीं खाओ ना, ठीक है नहीं खाना, नहीं खाते हम यहाँ से चलते हैं, फिर तुम लॉन्ग ड्राइव पे जाते, फिर तुमको घर छोड़ दूंगी। तो पलक बोलते, नहीं मुझे लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है। तो पल सना बोलती, हाँ हम घर जाएंगे ना, ऐसे बोल के वो दोनों रेस्टोरेंट, पलक को बोलती है, ठीक है हम चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, ऐसे बोल के दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। तो सना ड्राइव कर रही होती है, और पलक एकदम पीछे बैठी हुई होती है। तो सना को कुछ समझ नहीं आता कि पलक को कैसे मनाए, उसको ऐसा लगता है उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया और मैंने उसको रुला दिया, वो किस मुझे नहीं करनी चाहिए, आई थिंक वो किस शायद पलक को हर्ट कर गया, इसीलिए सना पलक को मनाना चाह रही होती है, उसको समझाना चाह रही होती कि ठीक है सब ठीक है, बस हम दोनों दोस्त हैं। और उसको गाड़ी चलाते चलाते समझा रही होती है, पलक क्या हुआ, क्या हुआ बाबा, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या चीज़ याद आ गई तुमको, क्या हो गया मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो, तुम ऐसे रोती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मुझसे शेयर करो, क्या चीज़ हर्ट कर रही है तुमको। और पलक कुछ नहीं बोल रही होती, एकदम चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई होती है दूर, और पल सना उसको मना रही होती है, पलक कुछ तो बोलो प्लीज़, कुछ तो बोलो, तुम्हारा ये रोना मुझे हर्ट कर रहा है, पलक क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लगी।
क्या हुआ ऐसे सोच के उसको पूछ रही होती है, और पलक कुछ नहीं बोल रही होती है। तो ड्राइव करते करते सना सोचती है क्या करूँ जो ये हंसेगी। ऐसे ही सोचते सोचते एक प्लान बनाती है, हाँ यही करती हूँ, यही बेस्ट रहेगा, इससे पलक की स्मेल फिर से वापस आ जाएगी और वो खुश हो जाएगी। यार मेरे में बुखार थी तो कल मेरे लिए इतना कि सना पलक के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके होठों पे फिर से स्माइल लाने के लिए। ऐसे सोच के सना एक अच्छा सा प्लान बनाती है और स्कूटी चलाते चलाते वहाँ जा रही होती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। सना पलक को कहाँ लेके जा रही है उसकी होठों में फिर से स्माइल लाने के लिए, ये देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल में। देखना है आगे क्या होता है। दोनों के बीच में ऐसी लवी डवी सीन और ज़्यादा होती है, इन दोनों के बीच में रोमांस गहरा होता है या फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वो जो साइड में छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स और एक चीज़ के लिए पहले से सॉरी, आज मैं घर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी वीडियो, इसलिए मैं पार्क में रिकॉर्ड करने आ गई। सो प्लीज़ ये जो चिड़ियों की कोयल जैसी, कोयलों की जो प्यारी प्यारी सी आवाज़ है, तो प्लीज़ उसको आज के लिए मैनेज कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। और टाटा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।